इस माध्यमिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका पदार्थ की अवस्थाओं के पाठ पर कुछ प्रयोग प्रदर्शन की योजना के बारे में बता रही हैं। प्रयोग प्रदर्शन की एक कोशिश पहले से कर लेना महत्वपूर्ण है। सोचिए कि विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए कौन से सवाल पूछे जाएं? कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सारे विद्यार्थी प्रयोग प्रदर्शन को देख पाएं और वह सुरक्षापूर्ण हो? हम बच्चों को स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा रहे थे। इसके लिए हम वाष्पन और इससे पहले द्रवण, कंडेंसेशन और ऊर्ध्वपातन, ये चार चीज़ें मैंने सोचा है कि मैं बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेट करूँगी। थोड़ा टाइम टेकिंग है और इसमें प्लानिंग की ही ज़रूरत है। प्लानिंग अगर हम उस समय करेंगे तो ये जो टाइम लगेगा इससे हमारी क्लास की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, तो बच्चों की उत्सुकता भी बनी रहे। पहले से तैयारी करना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है। पहला हमारा स्टेप होगा ठोस से द्रव में बदलना। गर्म करने के लिए मैंने स्प्रिट लैम्प रखा हुआ है, कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, इसलिए हम किसी कोने में रखेंगे और इसे ज़्यादा हिलाएंगे नहीं। मैंने सोचा था एक के बदले दो एग्जाम्पल ले लूँगी, तो बर्फ़ से पानी और फिर गर्म पानी से भाप तो याद था, लास्ट मोमेंट पे मुझे मोम दिखी तो याद आया कि हाँ मोम वाली चीज़ भी कर सकती। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का अकाउंट रखना ये टीचर के लेवल पे काफ़ी बड़ा टास्क है। एक अच्छा प्रयोग प्रदर्शन और सोच समझ कर बनाए गए सवाल विद्यार्थियों की सोच को आगे बढ़ाएंगे। कैसे बदलता है वाष्प, जरा देखते हैं। इस ग्लास में देखो कुछ कुछ पानी की छोटी छोटी बूंदें दिख रही हैं, सबको दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे भी देख लो, ये जो जिसमें हमने बर्फ रखी थी इसमें बाहर की तरफ छू के देखो, पानी की खूब सारी बूंदें हैं, है ना? छू के देखो, है पानी की बूंदें दिख रही? छू के देखो, गीला है पूरा। तो अब ये बताओ कि ये आया कहाँ से, आप बताओ। जो वायुमंडल में वाष्पन था, जब हमने इसमें ग्लास में बर्फ डाली वो ठंडा हो गया, इससे वो पानी आ गया सतह पे। पाठ के अंतिम भाग में शिक्षिका ऊर्ध्वपातन की अवधारणा का परिचय कराती हैं। ध्यान दीजिए कि कमरा अच्छा हवादार है और कैसे वह कमरे में चारों ओर ये सुनिश्चित करने के लिए घूमती हैं कि सभी प्रयोग देख सकें। मैंने ये अमोनियम क्लोराइड लिया हुआ है, मुझे ये तो मेरी लैब से मिल गया, लेकिन अगर इसको लेना हो तो जहाँ वेल्डिंग की दुकानें हैं वहाँ से आराम से मिल जाएगा ये। इसके अलावा केमिकल शॉप्स पे भी मिल जाता है। और अगर अमोनियम क्लोराइड लेने जाने में दिक्कत है तो कपूर तो हर घर में मिलता है। बाज़ार में जो कपूर अवेलेबल है वो बहुत प्योर नहीं होता, इसमें थोड़ा सा मोम मिला होता है। तो इसलिए टू बी वेरी प्रिसाइज, बच्चों के साथ अगर बात करनी है तो बहुत टू द पॉइंट करने के लिए, तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है। तो एक बार अगर ऐसे प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, देख लेंगे बच्चे, तो वो चीज़ उनके लिए आसान हो जाएगी, वो हमेशा फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पे देखो ये सफ़ेद सफ़ेद जम गया है इसमें, इसको मैंने इसका धुआं बस इसमें डाला ही है, बाहर से ना निकले। ये देखो यहाँ सफ़ेद हो गया ये पेंसिल, इससे अगर हम खुरच के देखें, ये देखो जम गया है, ये नौसादर है। ये देखो बच्चों ने बहुत एंथुजियास्टिकली बताया, तो मुझे भी लग रहा है कि हाँ, जो उत्साह वाली चीज़ थी, दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग। इस वीडियो से पता चलता है कि संसाधन सीमित होने पर भी प्रभावी योजना और तैयारी से वैज्ञानिक प्रयोग प्रदर्शनों को संभव बनाया जा सकता है। आप अपने पाठों के लिए किन प्रयोग प्रदर्शनों की योजना बना सकते हैं?